हम लोग दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पे हैं। वो पिछली बार हुआ था उसे आदमी को पैदल जाना पड़ेगा गांव पर। मोदी जी पहले एक दिन का किए थे, फिर 21 दिन का नहीं हो गया था लॉकडाउन। लॉकडाउन के ऐलान के बाद एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बस अड्डे पर भीड़, रेलवे स्टेशन पर भीड़, न जाने कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे दिखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, प्रवासियों के इस तरह के फिर से पलायन के बाद ये पूछा जा रहा है कि आखिर पिछली बार हमने क्या किया था, क्या हमारी तैयारियाँ थी। आप पीछे देख सकते हैं कि कैसी भीड़ लगी हुई है। लोग बसों के लिए, बसों में जाने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सब तारता रहे। यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का कोई नामो निशान नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, जिस बात के लिए एक लॉकडाउन लगा था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल हो सकेगा, लोग घर में रहेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नेस्तनाबूद दिखाई दे रही हैं। जब ये भीड़ इस बस अड्डे से, इस रेलवे स्टेशन से, दिल्ली से अलग अलग शहरों में पहुँचेगी तो वहाँ पर कोरोना बम कैसे फूटेगा, ये आप सोच सकते हैं। ये लोग भी लॉकडाउन की खबर सुनने के बाद अपने अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। जरा हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, 6 दिन का ही लॉकडाउन है, लेकिन ऐसी बेसब्री, ऐसी मजबूरी क्या है जो ये दिल्ली से पलायन करके अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जाना भैया? जाना सर सिद्धार्थनगर। तो ये पहले से प्लान था कि ये जो लॉकडाउन वाली बात आई है उसके बाद जाना? लॉकडाउन वाली बात आई इससे प्लान बना लो। 6 दिन का ही तो लॉकडाउन है। हाँ तो 6 दिन का लॉकडाउन, अभी फिर 6 दिन का लॉकडाउन हो जाएगा, हम लोगों का काम भी नहीं चल रहा है ना सर। लॉकडाउन बढ़ा भी सकते हैं, कोई वो थोड़ी ना। अच्छा ये बताओ कि अभी क्या हड़बड़ी है, ऐसा क्यों जाना, कैसे जाओगे जब ट्रेन नहीं मिल रही तो? अब ऐसे जाएंगे सर, जहाँ तक जा पाएंगे वैदर जाएंगे, फिर बस पकड़ेंगे। हम लोग यहाँ लॉकडाउन 6 दिन के लगा बढ़ा दिया जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या पियेंगे। तो फिर के जो पिछली बार हुआ था उसे आदमी को पैदल जाना पड़ेगा गाँव पर। पिछली बार गए थे आप? हाँ पिछली बार पैदल गए थे मुंबई से सर, मुंबई से पैदल गए थे हम लोग। और इस बार टिकट है? नहीं सर टिकट नहीं है। टिकट नहीं है सर। फिर कैसे जाएंगे? फिर सर ऐसे जाएंगे सर, ऐसे कुछ भी करके जाएंगे, पैदल थोड़ा जाएंगे, थोड़ा अगर सवारी मिलेगी तो सवारी से जाएंगे, ट्रेन से। हमने यहाँ पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कई लोगों से बातचीत की। अब बातचीत में यही पता चला कि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये लॉकडाउन के ऐलान के बाद अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। इन लोगों का कोई भी प्लान नहीं था अभी घर जाने का, लेकिन जैसे ही इन्होंने लॉकडाउन की बात सुनी, लॉकडाउन का ऐलान की सुना, ये अपने अपने घरों की तरफ बिना सोचे, बिना समझे, बिना टिकट के निकल लिए। सर रोज दिहाड़ी कर रहे हैं, रोज खा रहे हैं, यहाँ क्या खाएंगे यार, मजबूर है, डेली का काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, डेली का पैसा मिल रहा है, यहाँ लॉकडाउन में फंस जाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे। जाना कहाँ है आप लोगों? जाना कहाँ? जाना जौनपुर है। और 6 दिन के लॉकडाउन में आप सोच रहे हैं कि सरकार और दिनों के लिए बढ़ा सकती है? हाँ जी, तो बढ़ाएगी यार, क्यों नहीं बढ़ाएगी, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कोरोना इतनी स्पीड से बढ़ाएगी नहीं, 2 दिन का लॉकडाउन हुआ ना, फिर 4 दिन, 6 दिन का हो गया। मोदी जी पहले 1 दिन का किए थे, फिर 21 दिन का नहीं हो गया था लॉकडाउन, 21 दिन से फिर 16 दिन, फिर 21 दिन, 22 दिन, 28 दिन।